मेरा नाम डॉक्टर आशीष बैरबटी, मैं करंटली शालामार हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मैंने अपनी तालीम इनिशियल मेडिकल की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से हासिल की 96 में, और उसके बाद मैं इंग्लैंड से जाके प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग की। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन करूँगा कि प्लास्टिक सर्जन, क्योंकि लफ्ज़ प्लास्टिक निकला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लास्टिक से डील करते हैं। प्लास्टिक लैटिन वर्ड का जुमला है जिसका मतलब है टू मोल्ड, तो ढालने का के जुमरे में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जन एक प्लास्टिक सर्जन की एक रिफाइंड फॉर्म है। प्लास्टिक सर्जन एक कॉस्मेटिक सर्जन प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए जो कि खूबसूरती और ज़ाहरी बनावट को बेहतर करने का काम अंजाम देता है। इन दोनों के ज़्यादातर अमल जिसको अमल जराही या सर्जरी के ज़रिए किए जाते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट एक मेडिकल का शोबा है, मेडिसिन का शोबा है, सर्जरी का शोबा नहीं कह सकते उसको, जिसमें वो अद्वियात से और माइनर सर्जिकल प्रोसीजर से स्किन के, जिल्द के जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डील करता है। फेशियल एजिंग या एजिंग प्रोसेस, या इसका मुख्तसर लफ्ज़ों में उम्र, बढ़ती हुई उम्र के साथ जिल्द के मसाइल, प्लास्टिक सर्जन और मुख्तसरन कॉस्मेटिक सर्जन का सबसे अहम रोल। जहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी आती है वहाँ ढलती हुई उम्र की चेंजेस को ठीक करना है। हर इंसान ने उम्र के ख़ास हिस्से के बाद उसकी जिल्द में ऐसी नुमायाँ तब्दीलियाँ आएंगी जिससे उसकी अपीयरेंस में फ़र्क पड़ेगा। प्लास्टिक सर्जन का रोल इसमें काफ़ी कलीदी है, वो हेल्प कर सकता है आपकी उम्र को पीछे करने में, जिसके लिए मुख्तलिफ सर्जरी हैं जिसके मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन दूँगा। उसमें हम चेहरे से लेके हाथ, टांग, पेट, हर तरह की सर्जरी करके उनकी उम्र को और उनकी जो उम्र बढ़ती उम्र के साथ तब्दीलियाँ आई हैं जिस्म में, उसको रिवर्स कर सकते हैं। इम्प्रूविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी में इजाफा, इंसान की शख्सियत में खुद एतमादी बिरूनी लोगों के साथ या घर से बाहर या घर के अंदर दफ्तर में, काम की जगह में इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है खुद एतमादी। और खुद एतमादी के लिए ज़ाहरी शक्ल और सूरत का इंतहाई अहम रोल है। प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन आपके खुद एतमादी में कई अंदाज में इजाफा कर सकता है। आप इमेजिन करें कि अगर आप आपकी आँखों का उपरला हिस्सा काफ़ी भरा हुआ है जिसमें, और आपकी आँखें डूबी हुई लगती हैं जिसकी वजह से ये है कि आपको दफ्तर वाले समझते हैं कि आप हमेशा सोए हुए हैं। प्लास्टिक सर्जन एक मामूली सर्जरी के साथ आपकी आँख की सूरत को बेहतर कर सकता है। अगर आप दफ्तर में जाते हैं या अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हैं और वो आपकी भरती हुई चिन का मजाक उड़ाते हैं या आपकी जिल्द कान खींचे हुए का मजाक उड़ाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का मामूली प्रोसीजर जिससे हम चर्बी निकाल के आपकी चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं और आपकी खुद एतमादी में इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह आपकी उम्र के साथ, क्योंकि जिल्द ने ढलकना है और ग्रेविटी का सर से नीचे जाना है, छोटी सी सर्जरी जिसमें बाज़ का मूली धागे के साथ हम खींच सकते हैं और बाद एक छोटी सर्जरी करके जिसका निशान भी नहीं नज़र आता, हम आपकी फेस की जिल्द को खींच सकते हैं जिससे चेहरा खूबसूरत लगता है और अपनी उम्र से आप कई साल पीछे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दफ्तर में या अपनी काम वाली जगह में, उसके दफ्तर के अलावा जगह में या घर में या दूसरे लोग, दूसरे रिश्तेदारों के साथ इंटरेक्शन करते हुए खुद इत्मादी और खुश और आपके खुशगुफ्तारी महसूस होती है और आपसे लोग भी मिलना चाहते हैं और आपका ओवरऑल इंटरेक्शन माशरे के साथ बेहतर होता है। इसके अलावा जिन लोगों के बाल नहीं हैं और प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन इसमें आपके ये मर्द हजरात के लिए जिनको अपनी खुद एतमादी में कमी महसूस होती है कि उनके सामने के बाल झड़ गए हैं या उनके बाल बहुत थोड़े रह गए हैं, इसमें प्लास्टिक सर्जरी का एक मामूली प्रोसीजर जिसमें बगैर बेहोश किए आपकी बाल लगा दिए जाते हैं जिससे आपका
چہرے کا ساخت بدل جاتی ہے. یہ پلاسٹک کاسمیٹک سرجن بخوبی بغیر کسی بڑی سرجری کے اور بغیر کسی تکلیف دے عمل کے آپ کی خود اعتمادی کو آپ کو واپس لا سکتا ہے. چہرے پہ دھبے یا جسم پہ ایسے داغ جو اکثر جلنے کی صورت میں یا پیدائشی نقائص کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں, یہ چہرے کے پیرنس پہ اور بعض اوقات ایسی جگہ پہ جلے ہوئے نشان ہوتے ہیں جس سے اس حصے کا فنکشن متاثر ہوتا ہے. جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سکار سینے پہ یا ہاتھ کے پاس ہے تو اس میں ہاتھ کی حرکت متاثر ہو سکتی ہے. اگر یہ جلے والا نشان انگلیوں میں ہے تو انگلیوں کی حرکت اس سے متاثر ہو سکتی ہے, اور اگر چہرے پہ ہے تو اس سے ناک ایک طرف کھینچی جا سکتی ہے, گردن کھینچی جا سکتی ہے, کیونکہ جلا ہوا حصہ سکڑتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو نہ صرف اپیرنس بڑی بری لگتی ہے بلکہ اس کو اپنی حرکت, گردن کی حرکت, ناک کی, کان کی حرکت میں سخت متاثر ہوتی ہے. اس میں پلاسٹک سرجن مختلف آپریشن کے ذریعے آپ کی جلد کی ساخت کو یا جو اس پہ نشان لگے ہوئے ہیں اس کو کم سے کم نمایاں کرنے میں ہیلپ مدد کرتا ہے. اس میں بعض اوقات اگر بہت زیادہ حصہ جلا ہو تو اس میں ملٹیپل سرجریز کی یا وقفے کے ساتھ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے جس سے چہرہ بتدریج نارمل کی طرف لوٹتا ہے. جلا ہوا انجری, برن انجری ہمارے معاشرے میں کافی کامن ہے اور خواتین اس کی کافی زیادہ متاثر, اس سے زیادہ کافی متاثر ہوتی ہیں, اور لازمی طور پہ یہ اگر جان لیوا نہیں ہے تو ایسا نشان چھوڑتی ہے جو کہ لمبے عرصے تک کے لیے بلکہ ذہنی زندگی تک کے لیے آپ کو ایسا ناسور چھوڑتی ہے جس کے لیے پلاسٹک سرجن اپنی سرجیکل کوالٹی سے, اپنے ہنر سے اس کو اتنا بہتر کر سکتا ہے کہ آپ معاشرے میں خود اعتمادی کے ساتھ رہ سکیں. میرا نام ڈاکٹر آصف بھٹی ہے. اگر آپ نے میرے سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ محرم کی آن لائن بکنگ کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں شالمار ہاسپٹل میں اور سجی میڈ ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں.